बाबर, रिजवान दुबई से ऐसे छक्के मारेंगे दिल्ली के शीशे टूटेंगे। T20 वर्ल्ड कप में आप हमसे पांचों बार हारे हैं, अब पटाखे तो फूटने से रहे, अब कुछ तो फोड़ोगे। क्या फायदा खेलने का आपका, आप हमें वॉकओवरी दे दो यार, कोई फायदा तो होगा नहीं। आप हमारे साथ खेलोगे फिर हारोगे फिर निराश होगे, क्या फायदा है? शोएब अख्तर, कोई चांस नहीं है भाई, हमारी टीम बहुत सॉलिड है, तकड़ी है, उड़ा देगी तुम लोग। अगर पाकिस्तान की टीम 200 रन बनाती है, 200 रन बना के तो कोई भी मैच जीत सकता है, बट वो 200 रन बनाएगा कौन? सपनों से उठोगे तभी सपने पूरे होंगे। क्या आज की पाकिस्तान आज जीतेगा और वे जो सिलसिला चल रहा था कि वर्ल्ड कप में हमने जीते वो आज जीतेगा। मेरा नाम है प्रीति दहिया और हम बात कर रहे हैं उस मौके की जो टीम इंडिया को मिलने वाला है T20 वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान को एक बार फिर धूल चटाने का मौका। जब हम बार बार मौका मौका कह रहे हैं तो आप समझ ही गए होंगे। India's got 4 extra runs. Panja! On maro shot, on maro throw. Out karne ja rahe the, panja de diya. Captain ne utar gaya. Be the moment. This is the moment. And we'll celebrate as will these two. We have a wonderful opening partnership. चलिए सीधे रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। दुबई T20 में भारत की करारी हार हुई है, पाकिस्तान से 10 विकेट से भारत हार गया है। ये है सबसे बड़ा मौका और ये मौका पूरी तरीके से निचोड़ लिया है, जकड़ लिया है पाकिस्तान ने। बहुत बड़ी और कड़वी हार है ये भारत के लिए। पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेटों से हराया है। एक उनके बॉलर थे, लगातार पैड पे खतरनाक गेंदबाजी। यार एक चौके से पाकिस्तान जीत जाएगा क्या? इंडिया इतना कमजोर, अभी एक छक्का खा गए फिर एक चौका खा गए, ऐसे तो जीतेगा? उन्होंने जिस लिहाज की आज क्रिकेट खेली है सबको हैरान किया है। वाकई मतलब अगर शुरुआत का पहला ओवर देखें और जब उन्होंने लास्ट बॉल बैट से खेला है, अनबिलीवेबल। दे वर प्रॉबली द बेटर साइड टुडे, तो क्रेडिट टू देम। तो वी टेक आवर वर्ड्स बैक की हाँ भाई हमें। देख 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 कमीना कैसे चुप हो गया, बोलती बंद हो गई। देख कमीने की पाकिस्तान के इस मुकाबले को 13 गेंद रहते 10 विकेट से जीता, नंबर हो चुका है। भारत पहले मुकाबले में बड़ी करारी हार का सामना कर चुका है। पहले मैच में भारत को पाकिस्तान हाँ भाजी, हरभजन सिंह वॉकओवर लेना है? मिले ना? अच्छा चलो, क्या कर सकते हैं, रिलैक्स यार, एंजॉय द डे एंड बर्दाश्त करो।